So once again, I would like to welcome you all in the session. Today we are culminating all of our session. This is the 30th day of our session. An entire program was comprises of in two parts, which is based upon communication English, and second one is soft skills. This is the last session of soft skill, which is based upon a very unique topic, which is given by Parakram sir. So I would like to thank him that we are going to hear about today. The name is, so let's begin with the slides. As we all know, you are very much creative in your work, as we are talking about the hobbies, the interest part, and so many things. Now we are going to discuss a bit technical point of view of creativity, because when we are talking about the specification of creativity, people get confused. So today we are going to solve this mystery that how the creativity works and what measures we would like to take, and what all things that is required for creativity, what inputs, what development, their usages, and many more we need to discuss in this session. So let's begin with the topic about the definition of this creativity. I am putting the Hindi meaning of creativity, srijanshilta. हिंदी में अपने आप में काफी कुछ डिफाइन करता है, क्योंकि दिस इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, शीलता प्लस सृजनात्मकता. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं. वैसे ही हमने इंग्लिश में इसको डिफाइन किया है, द यूज ऑफ इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडियाज टू क्रिएट समथिंग और इन्वेंटिवनेस इटसेल्फ क्रिएट सो मेनी थिंग्स. तो ये दो यूनिक चीजें हैं जो मैंने आज इसके मीनिंग में डाली है, कि क्रिएटिविटी को यदि हम डिफाइन करें तो ये दो बहुत ही यूनिकनेस होनी चाहिए. पहली चीज इमेजिनेशन होनी चाहिए, दैट इज दैट शुड बी एन ओरिजिनल आइडिया एंड दैट शुड बी क्रिएटिव इनफ, मतलब बाकियों से अलग होना चाहिए जो कि यूनिक भी हो. इमेजिनेशन से आपने किसी चीज को एक्चुअलाइजेशन में लेकर आया है, देन ओनली यू कैन give the identity that particular thing will be creative. यदि हम किसी person को भी creative बोलते हैं तो किस तरह से बोलेंगे, क्यों बोला जाता है, क्योंकि यदि imagination में भी वो चीज हो और आप उसको साक्षात्कार करो, then only you become a creative person. Am I right, sir? Parakram sir? Absolutely. Absolutely, ma'am. I would like to add here that creativity के ऊपर बहुत बड़ा डिबेट है, इज इट इनबॉर्न और इज इट इनकल्केटेड. तो दोनों तरफ चलता है जो आपकी डेफिनेशन है. कई लोगों की क्रिएटिविटी इनबॉर्न होती है, कई लोगों की इनकल्केटेड होती है. और दोनों तरफ से आप एज यू वेरी टेक्निकली मेंशनड है कि इट कैन बी समवेयर इनबिल्ट और कमिंग फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम बर्थ. जैसे अभिमन्यु ने माँ के पेट में ही सीख लिया था हाउ टू ब्रेक द चक्रव्यूह, तो हिज क्रिएटिविटी वॉज इनबॉर्न. और ऑन द अदर साइड एआर रहमान ने 16 साल की उम्र में इलिया राजा को सुना था. इलिया राजा इज आर्ग्यूएबली द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर इन साउथ. तुमने सुना यार कि ये आदमी इतना अच्छा म्यूजिक कैसे दे सकता है, तो मैं भी उसको इम्बाइब करूँ. तो आई जस्ट एड माई लिटिल इनपुट दैट नथिंग टू वरी, इफ इट नॉट इनबिल्ट इट कैन बी क्रिएटेड ऑल्सो एंड इनकल्केटेड एज पर द वंडरफुल टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ मैम, एक्ट ऑफ टाइमिंग एंड टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडियाज इनटू रियलिटी. आई थिंक that is the crux of creativity. Thank you. Thank you so much, sir. As rightly said by Brahman sir, I would like to add some more things in it. Creativity is characterized by the ability of perceive the world in a new way. That is also one of its kind of view, we can say. कि हम आप तब creative कहलाएंगे, ये सृजनात्मक कहलाएंगे, जब आप prospective ही किसी चीज को, जैसे हम बहुत कॉमन चीज को बहुत ब्यूटीफुली कई जगह हमने प्रेजेंट होते देखा है. छोटे मोटे पत्थरों को वो इतना प्यारा कर देते हैं कि वो इतने ही सुंदर दिखने लग जाते हैं. अभी तो हम इंटरनेट पे सो मेनी वीडियोस आर देयर, सो मेनी क्रिएटिव्स आर देयर,
जो कि आप ब्यूटिफुली प्रेजेंट कर रहे हैं लोग बाय द टाइम, या आप देखें कि अपने प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी क्रिएटिविटी को शो किया जा रहा है, दैट इज वन ऑफ इट्स काइंड. कि आप ये कह सकते हैं क्रिएटिव चीज, तो वो किस तरह से आप नॉर्मल चीजों में भी किस तरह से नया डायमेंशन लेकर आते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो कोई आर्ट वर्क हो, चाहे हम एडवर्टाइजिंग करें, तो क्रिएटिविटी किसी में भी हो सकती है. एग्जाम्पल एजुकेशन तो भी वी कैन से, तो कई लोगों का एक यूनिक स्टाइल होता है, एक क्रिएटिव स्टाइल होता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस होके बहुत ज्यादा उनसे पढ़ना पसंद करते हैं, उनकी लर्निंग उसे पसंद आती है. वो जो क्रिएटिविटी है, वो जो यूनिकनेस उन्होंने जो आइडेंटिटी अपनी क्रिएट की है, तो द कन्वेंशनल वे से हट के जो लेकर आए हैं वो, दैट इज हिज क्रिएटिविटी. इसीलिए बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी आती हैं, और दिस कैन बी अ डिबेटेबल टॉपिक भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि इसके इतने डायमेंशन है जिसको कि हम इवैल्यूएट या कंप्राइज नहीं कर सकते कुछ लिमिटेड वर्ड्स में. आई थिंक दैट इज वेरी रेलेवेंट. मुझे बहुत अच्छा गाना याद आता है, जो बचपन में बड़ा इंट्रिग करता था, लता जी का गाना है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी. सो क्रिएटिविटी अगर आप माने तो वो गंगा माँ है, और ना माने तो बहता पानी. सो एवरीबॉडी परसीव द क्रिएटिविटी एज पर देयर ओन पैराडाइम and their own perspective. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. मैं एक बात कहना चाहूंगी. हिंदी में सृजन, सृजनशीलता कहते हैं. आपने जो लिखा है वो सर्जन होता है उसका, तो सृजन है स के नीचे हलन टाइप. ओके मैम. क्या है कि वो जो ये है अपनी नेट है और पावर पॉइंट है, कई बार हिंदी मात्राएं इधर की उधर हो जाती है, तो हिंदी लिखना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क ऑन इंटरनेट, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर इन इंग्लिश. Perfectly fine. Thank you so much, ma'am. I'm sorry, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपकी है, और मैं करेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी शायद, क्योंकि I am not able to type in Hindi. That's why. For adding to this point again, to find hidden patterns again. बहुत अच्छा आइडिया इसने आपको प्रेजेंट किया है कि कई बार हम वो चीजें पहचान ही नहीं पाते जो हमारी क्रिएटिविटी को डिफाइन करती है. इटसेल्फ गिव अ ह्यूज मीनिंग. मतलब आप ऐसा समझिए जैसे जौहरी बंटू के बारे में आपने बहुत सुना है, या कई लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा, लेकिन जब हम वो चीजें पहचान नहीं पा रहे, और जब आपने पहचान लिया है, दैट काइंड ऑफ पैटर्न विल फाइंड योर क्रिएटिव वे कि आप किस तरह से कर रहे हैं चीजें थ्रू आउट अ लाइफ. कई लोग पूरी जीवन जी लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं पहचान पाते कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनका हिडन टैलेंट क्या है, उनकी क्रिएटिविटी क्या है. तो दैट इज ऑल्सो एन पर्सपेक्टिव टू मेक कनेक्शंस बिटवीन सीमिंगली और अनरिलेटेड फिनोमेना एंड टू जनरेट सोल्यूशन. दैट कैन बी ऑल्सो क्रिएटिविटी. किस तरह से ये इस तरह से हमने प्रेजेंट किया है इस डेफिनेशन में, कनेक्शन बिटवीन देखने वाली चीजें जो कि अनरिलेटेड फिनोमेना हमें लगती है, और उसको हम किसी चीज से रिलेट करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्रिएटिविटी. जैसे हम एडवर्टाइजिंग में देखते हैं, क्योंकि कई एडवर्टाइजिंग में हमने देखा है कि उससे कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक, लेकिन लास्ट में वो कुछ अपना ब्रांड को एंडोर्स कर देते हैं, फिर हम उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इमोशनल बॉन्ड हो या चाहे वो कमर्शियल बॉन्ड हो. इस तरह से उस क्रिएटिव के थ्रू हमें उस फिनोमिना को कंप्लीट कराया जाता है कि हम धीरे से क्या कर रहे हैं, उस वाले क्रिएटिव से अपने इन्फ्लुएंस को प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पॉइंट. मैम इफ यू परमिट आई विल ऐड एन एग्जांपल हियर. मैंने कि मैं मुंबई, आई वाज इन मुंबई फॉर 13 इयर्स. तो हमारे बैंडस्टैंड इज इन बांद्रा, आई लिव टू से बांद्रा. वहाँ एक होर्डिंग लगाया था, और दैट वाज द अवार्ड फॉर द बेस्ट होर्डिंग ऑफ द ईयर. उसमें लॉर्ड गणपति गणेश जी का फोटो लगा था, और बाजू में सिर्फ इतना लगा था, दैट वाज एन एड फॉर हेलमेट, दैट नॉट एवरीबॉडी हैज अ फादर लाइक मी, सो बी केयरफुल अबाउट योर हेड. तो आप लोग समझ रहे होंगे, नॉट एवरीबॉडी हैज अ फादर. और इतना क्रिएटिव एड था, मतलब मेरे जैसे पिताजी सबके नहीं है कि दूसरा सर लाके मेरा लगा देंगे. तो भैया जरा अपने वो, मैंने कहा कि वो शायद मुझे लाइफ में सबसे टचिंग और सबसे क्रिएटिव एड लगा है. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच सर. वन मोर एग्जांपल आई वुड लाइक टू पुट ओवर हियर. जो आपने देखा होगा दाग अच्छे हैं का जो कांसेप्ट है, दैट इज आल्सो अ क्रिएटिव काइंड ऑफ एग्जांपल आई एम पुटिंग ओवर हियर.
कि हमारा जो कंसेप्ट होता था, अरे गंदे कपड़े कर लिए हैं तो हमारी जो मम्मियां और जो भी हमको टेक केयर करता था वो तो भयंकर डांट पड़ती थी शुरुआत से, लेकिन आज उन्होंने वह कंसेप्ट ही चेंज कर दिया थ्रू इस क्रिएटिविटी, और उस ब्रांड को इतना एंडोर्समेंट मिला उस पर्टिकुलर छोटे से शब्दों की वजह से, और पूरा परसेप्शन चेंज हो गया कि लाइफ में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि दाग लग रहे हैं कपड़ों पे, उसके लिए वॉशिंग पाउडर है, वी आर देयर फॉर यू, बट दाग अच्छे हैं, बुरे ही नहीं, किसी अच्छे काम के लिए यदि कोई दाग लग रहा है, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वॉट एवर इट थिंग्स आर, फिर भी दाग अच्छे हैं. सो वेरी ब्यूटिफुली क्रिएटेड एडवर्टाइजिंग एंड कैंपेन. वेरी वेरी वेल क्लोज एग्जाम्पल. मैम मुझे बता रही थी कि his, her son, which is, who is around 4 or 5 years old, तो वो सोफे के सारे कवर निकाल के बाहर फेंक देता है, उससे पूछो ये क्यों निकाला, बोले उसमें चींटी हो गई. As simple as that. How creative the child is. I think creativity. He has a very simple definition कि सोफे के कवर मैंने फेंक दिया, उसके अंदर तो चींटी हो गई थी. Yes or no, ma'am? You can elaborate. 100% sir. Thank you so much. So let's talk about this picture. So I would like to invite Manish sir. Sir, can you please give some brief about it? Because he belongs to biological department. Looks like an structure of a brain. Yes, sir. This is definitely a brain. And this is segregated in two hemispheres. Yes, sir. Right and left hemisphere, which are called as cerebral hemispheres. Each one of having its own function. Yes. One part which is black and white is a rational one, and one part which is having colors is an arts and creative one. Yes, sir, definitely. That's a nice interpretation. Yes, and sir. Left hand side like engineering. Yes, sir. Right. Always black and white with trigonometry and physics and thermodynamics. Sir, this is definitely the same picture you have interpreted. That left brain functions are different from the right part. The part differently present their ways. आधा सिर जो है जिसका ज्यादा काम करता है वो कुछ इस तरह से करता है जो कि बहुत अच्छे होते हैं नंबर्स में, बहुत अच्छे होते हैं एनालिटिक्स में, एजुकेशन में, और कुछ लोग होते हैं वो क्रिएटिव काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, जैसे इसके पहले हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पर्सनैलिटी में भी ये सीखा था, और वन ऑफ द सेशन आई हैव मिस्ड कि मैंने किसी किया था. तो ये ब्रेन का जो फंक्शनैलिटी हमने देखी है तो इसमें दोनों चीजें होती है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कहां पर क्रिएटिविटी कम है, दोनों के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, दे मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिव विजन्स, तो दोनों होते हैं, चाहे आप इसमें डिफाइन कर ले चाहे आप क्रिएटिव वर्ल्ड में, क्योंकि इसमें कलर्स है तो सब लोग ज्यादा इसी तरह से इंटरप्रेट करते हैं इसे कि जो दैट इज रिलेटेड टू पेंटिंग आर्ट वर्क एंड सो मेनी थिंग्स. पर अभी बहुत सारे व्यूज ऐसे हैं दैट इज कॉल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग. तो दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स. तो इसमें दोनों होते हैं कि हमको बहुत सारे नंबर्स, डेटा, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्रॉइंग और बहुत सारी चीजें होती है, साथ में हमारे पास क्रिएटिविटी भी उतनी होती है जिससे कि हम उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं, और द वे कस्टमर डील्स विद अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों को प्रेजेंट किया जाता है. सो दैट इज स्टेटेड बाय द पिक्चर एंड वी हैव इलैबोरेटेड पिक्चर ओवर अवर डिपार्टमेंट एज वेल, जहां पे हमने इनोवेशन नेक्स्ट के एक बड़े पोस्टर में भी इसको प्रेजेंट किया है. तो आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑल कि कभी यहाँ आना हो तो प्लीज सी सर, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी क्रिएटिव. आई हैव सीन दैट मैम. Yes, sir. Thank you, sir. Because you are in the team, sir. Innovation next yes. team. Right? Yes, ma'am. Sir. So let's go to the next slide. Can anybody identify him? I think not. I've put it his name. He's Thomas Alva Edison. So now we are going to talk about the creativity of the person. He developed a particular what we call a product or an instrument or a gadget. Kuch to tha that is into his mind, jisko ki unhone present kiya in the way the reality works. So
we are talking about Thomas Alva Edison. This is one of a very unique kind of example. क्योंकि इस तरह से interpret किया जाता है कि जो education में अच्छा है या जो बाकी चीजों में अच्छा है वो इसमें भी अच्छा होगा. That is not the thing. क्योंकि हर चीज में हर इंसान में एक नए प्रकार की creativity होती है और वो उसी प्रकार से काम करती है. So he is very famous for example. I would like to invite again Parakram sir. He used to give his example in the same context. Sir, please. Before inventing the bulb, Thomas Alva Edison had started and initiated a factory where he used to manufacture wires. And one fine day, that particular factory caught fire, and his assistant came running to him, said the factory has caught fire. So he simply smiled and went there and was smiling at the burning factory. And the assistant asked that, sir, your factory is burning and you are smiling. बोले कोई बात नहीं, मेरी सारी गलतियां जल गई, अब मैं कुछ अच्छा नया बनाऊंगा. So I think hope and belief in self is also an integral part of this particular thing. Second example is, he had tested almost 303 filaments before discovering tungsten, but he never lost hope that the 303rd one will be tungsten. And now we know that tungsten does what? A lot of technically sound people. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, sir. I would like to quote your example here over here again, that he was already a victim of that particular disease, which is dyslexia. And he's not very bright student, but still he have the vision and he have the creativity. That's why he innovate that kind of particular instrument or a bulb. It is, we can say, initiation of light. यदि हमारे दिमाग में आता है तो सीधे थॉमस अल्वा एडिसन का ही नाम आता है. On the basis of genuinity, he spends thousands of hours for his experiment. And genuine is 1% and inspiration and 99% and perspiration. That is already quoted by and already discussed by Parakram sir as well. Thank you so much, sir. Now about the creativity, we are talking about art. How it is a kind of art. Product does have to have commercial success to show sign and creativities, as we already discussed with the example of ad films. An art creative by there is varied in nature. Means, जब तक कि आप वो differentiation नहीं लेकर आएंगे, that may not be unique or creative. क्योंकि कुछ तो अलग करना होगा ना, वही सेम और कंटेम्प्रेरी या आपने कॉपी डेवलप किया, दैट मे नॉट बी क्रिएटिव इनफ और इनोवेटिव इनफ. सो टू डिफरेंट वर्ड्स आर हियर, वन इज इनोवेशन एंड सेकंड इज क्रिएटिविटी. बोथ आर डिफरेंट. ऑफन द मोस्ट क्रिएटिव वर्क्स आर नॉट वेल रिसीव्ड बाय द फर्स्ट ऑडियंस. इट मे बी पॉसिबल, कई बार ऐसा होता है कि बहुत क्रिएटिव आइडियाज या बहुत क्रिएटिव बैनर्स, पोस्टर्स और वर्क्स जनरली हमने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ या क्रिएटिव लोगों के साथ यही होता है कि उनके साथ बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल पिकासो और लियोनार्डो द विंची और मतलब कई लोग ऐसे हैं. पीपल यूजुअली डू नॉट एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. सो दे फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स. Very, very, very aptly stated, ma'am. I'd like to add a quotation by a very creative person, that first they will laugh at you, then they will fight with you, and then finally you will win. This is the three-step procedure for creativity. First, people will laugh at you, then they will fight with you, and then finally you will win. So believe in the third one, that finally you will win. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. And controversial artworkers are already in controversies every time. जब भी किसी ने कुछ नया और यूनिक किया है उसके बीच में सबसे पहले controversies ही आती है. और that is the way, means conventional way को आपने जब जब भी तोड़ा है तो सबसे पहले controversies are there. क्योंकि people are bounded to behave in a certain pattern or in a certain way. That's why it converts into controversial part. And I would like to put another example over here. Early 90s के जो हमारे conventional music हुआ करते थे, that is completely based upon all instruments and the way they played the different kind of tunes and musics
which is based upon the traditional kind of music. पर 90s के बाद जो हम लोगों ने जो breakdown देखा music breaking conventions, तो उसके बाद जो innovation आया या creativity आई music में, that was very melodious. आपने भी देखा होगा कि हम लोग ज्यादा उस तरह के traditional music जिसको हम कहते हैं या the way music पर्सन बिलोंग्स टू, या किसी घराने की बात करें या राग, एक जो पैटर्न होते थे उन सबसे अलग होकर के जो हमने क्रिएटिव म्यूजिक देखे, तब लोगों को ज्यादा क्रिएटिव लगा और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आने लगा. तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल आई एम पुटिंग ओवर हियर बिकॉज वी आर स्टेटिंग हियर दैट क्रिएटिविटी इज इन आर्ट. फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि अलग अलग जो आपके फेवरेट म्यूजिशियन है या सिंगर्स हैं, तो आप किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं या आपको क्यों वो पसंद है? Anybody would like to share? Anybody? अगर कोई कुछ उसमें नया कंपोनेंट ऐड कर रहा है या चेंज कर रहा है विच प्लीजेस अस और विच साउंड्स गुड, तो हम ज्यादा उसको प्रेफर करते हैं. फॉर एग्जांपल ए आर रहमान है, तो हर बार उनके म्यूजिक में कुछ नया सुनने को मिलता है. सो दैट्स व्हाई पीपल प्रेफर. यस सर कंप्लीटली अग्री. और आपके जो एग्जांपल है मैं उसी में ऐड ऑन करना चाहूंगी कि ही ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव. वो एक पानी की बूंद को भी यूटिलाइज करना जानते हैं और उससे कैसे म्यूजिक को कंपोज किया जाता है पूरे गाने में, दैट ही क्रिएटेड वंडर्स. कि उन्होंने छोटे छोटी चीजों को लेके पेन का साउंड, मिरर का साउंड या पानी की बूंद का साउंड, और इतना क्रिएटिव होना, दैट इज वेरी वेरी यूनिक. तो थैंक यू फॉर योर that is art and anywhere in front of art. So for a scene in Satya Pe Satya, or rather the entire sequence in Amitabh in Satya Pe Satya, he got a recording artist and made her gargle. And when the other Amitabh, who was light-eyed and he was in a bad mood, so wo gargling ka sound aap kabhi Satya Pe Satya dekhenge na, so art from a bonnet of a car, from gargling, and I don't think there is anybody more creative than R.D. Burman. That's in 100% agreed, sir. Thank you so much. Now about the motivation for creativity. That is also important. Unless and until you have the motivation, you cannot do such kind of things. Aapko intrinsic motivation to bahut zaruri hai. Yadi aap creativity ki baat kare, या आप किसी भी चीज के लिए, आपको मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है करने के लिए कुछ भी काम. और क्रिएटिविटी इज द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ यूनिक वे. सो दैट इज माय काइंड ऑफ डेफिनेशन. आई वुड से आई डोंट नो हाउ मच इट इज करेक्ट, बट आई पुट इट ओवर हियर. फाइंड न्यू वेज टू एक्सप्लोर परसेप्शन और विजन ऑफ साउंड. आई डाइवर्गेट इन टू थिंग्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड, कि आपको एक तो विजन रखना होता है, ये आपको साउंड रखना होता है. दोनों यू कैन डू इट. सेकेंड वन इज एक्सप्रेस न्यू आइडियाज, चैलेंज कन्वेंशन. दिस इज वी कैन से एक स्टेप है जो कि आप क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल वे से चलते रहेंगे तो शायद क्रिएटिविटी तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे कि भीड़ होती है, क्योंकि उनको बोल दिया है इस तरफ जाना है तो सब वही है और वही चले जाते हैं. लेकिन जिन लोगों ने भी कन्वेंशनल वे तोड़ा है, उनको चैलेंज किया है, दैट क्रिएट वंडर्स. एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस ड्रॉप आउट हुए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज को क्रिएट किया. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ओनर, ही वाज आल्सो हार्वर्ड बिजनेस ड्रॉप आउट. फेसबुक, स्टीव जॉब्स, दे ऑल आर ड्रॉप आउट्स. दे इवन नॉट कंप्लीट देयर एजुकेशन फ्रॉम दैट much kind, big kind of education, we can say, the huge educational giants. But they create or challenge the conventional way. Means, you can make Harvard bhi bana sakta hai, ki aap Microsoft ke owner ban jayenge, ya Apple ke, ya koi bhi XYZ company ke. Nahi to wahan ke sare products hi waise hote hain. Jitne bhi wahan ke students nikle hote hain, sabhi creative hote hain, unki bhi itne bade bade MNCs hote hain. But they are not. The people create their own creativity through their motivation. वो होना बहुत जरूरी है, उसी से ही आप आगे बढ़ते हैं और ये कन्वेंशनल वे को तोड़ पाते हैं. दैट इज द
the crux of that particular point. Finding a solution to the problem itself gives you a great kind of creativity. क्योंकि हम कई बार identify नहीं कर पाते, लेकिन हम जानते हैं कि इसका solution कैसे निकालना है. Probably जैसे example हम लेते हैं छोटे बच्चों का, कि हम कुछ उनके hurdles बना देते हैं यदि, तो वो अपना solution निकालने की कोशिश करते हैं. इस तरह से हमारे साथ भी होता है. और कई लोगों में इस तरह की creativity या इस तरह का motivation factor ज्यादा काम होता है. जहाँ हमने बोल दिया ये काम नहीं करना है, तो trigger भी करता रहेगा दिमाग की क्या मुझे नहीं करना है, नहीं करना है, अच्छा क्यों नहीं करना है, क्या कारण इसके पीछे, इसके बाद हुआ तो क्या हुआ, इसका सोल्यूशन क्या हुआ, जहां नहीं जाने के लिए बोलेंगे वहां जरूर दिमाग जाता है. तो द पीपल बिहेव लाइक दिस, दैट्स व्हाई इट कम्स ओवर हियर, कि वो भी एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करता है. फाइंडिंग सोल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स, हमको लग रहा है कि यहाँ ये चीज हो सकती है. जैसे कि हमने मोबाइल्स में भी देखा कि पानी में गिर जाए तो खराब हो जाता है, तो सैमसंग ने ऐसा मोबाइल निकाल दिया कि जो कि पानी में भी चल रहा है, उस तरह के एडवर्टाइजिंग किया उन्होंने, बट इट कॉस्ट वेरी मच, सो दैट प्रोडक्ट इज नॉट वेरी पॉपुलर. But they are providing, मतलब किसी ने तो innovate किया ही होगा, किसी ने तो अपनी creativity उसमें दी होगी. तो that kind of solution, जैसे हमने इसके पहले भी previous example में discuss किया, Edison, he gave the filament और energy को उन्होंने convert किया एक bulb में, that is called the light, हम जिसके नाम से जानते हैं उसे, हम इसी को समझते हैं जहाँ से initiation हुआ इसका. So next point is perhaps practical but not necessarily so. Or creative is a tendency to generate or recognize idea, alternatives or possibilities that may be the thing. जैसे कि सर ने example भी दिया था कि दोनों तरह से हो सकता है, either you create these kind of practices or you are born with talent. जैसे कि अभिमन्यु वाला example सर ने भी यहाँ पर दिया था. So let's go with example. Now we are going to talk about measures of creativity, that is what to recognize and natural creativity. ये बहुत जरूरी होता है कि आप identify कर पाएं कि आपके अंदर किस तरह का nature है आपकी creativity का. So that will give you a great success. ये हो सकता है, बिल्कुल possible है, that's why I put it over here. कि यहाँ हम यदि measures को देख रहे हैं, तो where you need to work, कहाँ कहाँ आपको changes लेकर आने हैं, कहाँ कहाँ आपको correct measures लेने हैं, जो कि आपकी क्रिएटिविटी को आपको आइडेंटिफाई करने में या एनहांस करने में मदद करेगी. जैसे आप लोग, यू बिलोंग्स टू रिसर्च डिपार्टमेंट एज वेल, सारे एकेडमिशियंस हैं वो सभी रिसर्च में भी काम करते हैं, तो मे बी वहां से कुछ क्रिएटिव आए, या मे बी यू हैव समथिंग न्यू, हैव योर ओन, या वो उसको करना चाहते हैं. जैसे कि पहली बार बायोलॉजिकल साइंस में सर के पास भी गई, उन्होंने बहुत अच्छे कलर्स मुझे बताए कि नेचुरली उन्होंने किस तरह से बनाया है. फिर कुछ ऑयल भी सर ने मुझे बताया था, दैट इज लेमन ग्रास ऑयल के बारे में मुझे बताया, तो मेरे लिए वो बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव था, एंड ही इज डूइंग परफेक्टली. थैंक यू सो मच मनीष सर फॉर दैट. मैम हैव कंप्लीटली नो आइडिया अबाउट, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी पता नहीं के बारे में. और आई थिंक पराक्रम सर आपको पता होगा, आप कभी जाएं अब बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में तो जरूर देखें. It's waste to wealth center, ma'am. That's why it's. हाँ, ma'am, biological science तो आपने ले लिया, मुझे bioforensics दिया था, तो मैं forensics में जाके देखूँगा. सर, उसी के पास में मेरी lab है. It is named as waste to wealth center. तो आप please. हाँ, वो madam ने prohibit किया था, आप इधर उधर नहीं जाएंगे, आप सीधे forensics में जाएंगे. Now I am inviting you, sir. Please. सर, mechanical department में. समय के जाना उधर forensic lab भी है. हाँ, मैं फोरेंसिक्स तो देख चुका हूँ सर, मेरे लिए प्रोहिबिटेड है, इसलिए आपसे मिलने नहीं आते मैडम. बुलाते इसके नाम से और दिखाते फोरेंसिक है, मनीष सर ये जादूगर नहीं सर, फोरेंसिक से डिपार्ट हो गया अलग है. मैं तो वो क्या है, घोड़े की तरह सीधे जाता हूँ, वो सीधे आ जाता हूँ. अबे सर, जैसे कि ड्रूबा भी काफी फेमस था आपके विकल प्रेजेंटेशन के लिए और इनोवेशंस के लिए, तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट वंस अगेन आपके लिए भी और मनीष सर के लिए भी. और बाकियों की मुझे इनोवेशन क्रिएटिविटी पता नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट. थैंक यू मैम. पर आई नो कि पीपल बिलोंग्स टू सेज आर वेरी क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड दे आर वेरी गुड. हम लोग कल भी मैं बात कर रही थी किसी से, उनसे डिस्कशन काफी हुआ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी पीपल आर देयर. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे थ्रू सेज आप सबसे मिलने का भी मौका मिला, और हम वन टू वन कॉन्टेक्ट में भी हैं सर से. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. लेट्स गो विद द टॉपिक अगेन. Yes, as stated by Prakram sir, that it is gifted like a talent. Ya phir aap isko enhance kare, grow kare, aur identify kare uniqueness ko.
And the next point is need to develop valid measures. That is also important. Creativity के नाम पे कुछ भी ना करने लग जाए, जैसे कि चाइनीज लोग करते हैं, कि उनके लिए इनोवेशन उनकी नेसेसिटी तो होती है लेकिन दूसरों के लिए वो बर्डन बना देते हैं. बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे गेम्स या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाई फोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं. वी आर हैबिचुअल और नाउ वी आर फेसिंग द रिपरकशंस एज वेल. So that is also important. Creativity is a subjective matter. Yes, I agree, totally agree, sir. Any input from your side, sir? Parakram, sir? No, perfectly fine. Okay, thank you, sir. Creativity is subjective in quality. Matlab, you cannot say ki ye itna achha painter hai. Kaise aap define karenge किसी की क्रिएटिविटी को? हाउ यू विल जज इट? जैसे कि हम कुकिंग में बात करें तो खाने में स्वाद बहुत अच्छा होता है, तो ही इज वेरी क्रिएटिव इनफ फॉर कुकिंग. बहुत अच्छे अच्छे जैसे डिश मिलेंगे आपको खाने के लिए, इनोवेटिव आइडियाज मिलेंगे, हर बार कुछ नया मिलेगा. आर्ट वर्क में आप देखिए सेम पेंटिंग्स कभी भी नहीं मिलती है, लेकिन यू कैनॉट मेजर इट, यू कैनॉट कैलकुलेट इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स और इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी. सो इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव इन वेरी क्वालिटेटिव. General agreement amongst expert and public is also important as in the prospective of measures, because those people who are very good at it, if we creativity ki baat kare, so people generally recognize them for their good work and creativity. So that is also there ki aapko usse acceptance bhi hona chahiye. Pata chala ki aisa nahi ki unko bhi creative bol rahe hain jisne kisi ka murder kar diya hai in a unique way. That is something else. Means hum kya bol rahe hain aur kya kar rahe hain. That is not creativity, completely not. That is acceptable by the public in the expertise field. So that is also important. Now, unusual usage is important. Why I have quoted here that कभी समझ में आएगा कि creativity कैसे और कहाँ कहाँ है. Conventional way आप नहीं तोड़ेंगे, uniqueness नहीं तोड़ेंगे लेकर आएंगे, तो unusual things को explore कैसे करेंगे. So I put 3 points over here. Give subject to common object. वो तो आपको करना ही होगा. जैसे किस तरह से बनाएंगे या कैसे डिफाइन करेंगे कि इस तरह की क्रिएटिविटी है, इसका क्या सब्जेक्ट है, व्हाट इज कॉमन ऑब्जेक्ट बिहाइंड दैट, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. आई हैव पुट एन एग्जांपल ओवर हियर. शू रेस पहले जिस तरह से डाली जाती थी उसी तरह से आज हम उसके 50 नए तरीके देखते हैं, और हर एक वीडियो में जो की क्रिएटिव लोग हैं वो अपने अपने वीडियोज बना के डाल रहे हैं. शू रेस का यूज करना या उसको कितने डिफरेंट काइंड ऑफ गेम में यू कैन डाइट, तो दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल दैट इज अनयूजुअल. या कॉमन चीजों से भी हट के आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं, कॉमन थिंग्स से, यूसेज से, उसके डिफरेंट यूसेज से. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट. गेट पॉइंट्स फॉर अनयूजुअल एंड प्रैक्टिकल यूसेज. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द यूसेज पार्ट, क्योंकि आप जब तक की प्रैक्टिकल यूसेज नहीं बताएंगे तो आपकी क्रिएटिविटी का मतलब नहीं होगा डिफाइन. सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. And now about the productive thinking, जैसे कि tying the rope together, कितने तरह से, कितने ways में. Example है जैसे कि knitting of a chair. आपने देखा होगा जो बुनकर होते हैं या जो पहले जिस तरह की chairs हुआ करती थी plastic wires के through, वो कई तरह के formations बना दिया करते थे. That is also a kind of creativity. So how beautifully you are doing this thing, या you are doing a particular kind of task. How उसकी imagination की, calculation की क्वालिटी वर्क की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और बहुत अलग अलग तरीके से आपको डिफाइन करना होता है उस क्रिएटिविटी को एवरी टाइम. सो दैट इज ऑल्सो ओवर विद द एग्जांपल. नाउ क्रिएटिव हार्ड टू मेजर. यस डेफिनेटली इट इज हियर कि आप किस तरह से कैलकुलेट करें इसको, क्रिएटिविटी को किस तरह से मेजर करें. पर्टिकुलर व्हेन मूव इनटू द एरिया ऑफ एक्सप्रेसिंग द आर्ट, ऑलरेडी कोटेड इन द बिफोर स्लाइड्स, कि आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है, ये आर्ट वर्क कितना खूबसूरत है, कैसे इवैल्यूएट करेंगे. यू कैन नॉट, ऑल्दो वी आर गोइंग फॉर द जजमेंट्स एज वेल कि ये पेंटिंग फर्स्ट है, ये फोटोग्राफी फर्स्ट है, इसके लिए आपको कुछ बेंचमार्क बनाने पड़ते हैं, लेकिन यू कैन नॉट कोटेड द नंबर्स कि आपने इतना अच्छा किया. बच्चे जो स्कोर करते हैं हम जनरली रिजल्ट्स में उनको बताते हैं, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी यू कैन नॉट मेजर. आप सीधे ये बोल सकते हो ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत क्रिएटिव है, मे बी ही नॉट एट ऑल इन गुड देयर एकेडमिक्स. तो कई बार ऐसा होता भी है. दैट इज व्हाई we are discussing this example. And now about the music, dance and painting. Again, unconventionality of playing strong roles. आप अवार्ड भी क्यों डिफाइन कर देते हैं
कि हाँ इन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया, इनको इस तरह का अवार्ड मिला, इनको पद्मश्री मिला या पद्म भूषण मिला, इसमें भी कैटेगरीज अलग अलग, तो उनको उस तरह से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम जैसे स्टार जैसे परफॉर्मर्स की, तो हमने अभी यूएस की स्टार्ट की अभी फिर से, तो कई स्ट्रॉन्ग चीजें ऐसी होती है, बट द क्वालिटी द वे द क्रिएटिविटी यू कैन नॉट मेजर थ्रू द पॉइंट्स और द नंबर्स, आपको कुछ बेंचमार्क्स बनाने पड़ते हैं, देन ओनली यू कैन डू इट। और सबके लिए अलग अलग होगा, हो सकता है कि किसी चीज में किसी और की क्रिएटिविटी कहीं ज्यादा हो, लेकिन हमको पता नहीं, डिपेंड करेगा। मोस्ट पीपल फाइंड कंफर्टेबल इन द रेगुलर थिंग, दैट इज वेरी कॉमन। आप देखेंगे कि जो रेगुलर चीजें होती है उसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कोई भी चेंज के लिए वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, या हम बहुत इजीली उसको अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द विक्टिम्स ऑफ कन्वेंशन, यहाँ से आपकी क्रिएटिविटी बहुत हैम्पर होती है, साथ साथ में वो ये आपकी क्रिएटिविटी को कम करता जाता है यदि आप कन्वेंशनल वे में बिहेव करते जाते हैं और रहते जाते हैं, तो इजी एंड मोर कंफर्टेबल यदि आप हैं, तो यू मे बी द विक्टिम ऑफ द कन्वेंशनल वेज, द ट्रेडिशनल वेज। द लेस रिस्की वेज आर ऑलवेज कन्वेंशनल, हम वो सोल्यूशन निकालते हैं, वो तरीके निकालते हैं जिसका किसी पे ध्यान ना जाए और कम से कम रिस्क रहे, जो कि बचने वाले फैक्टर्स होते हैं, देन यू मे बी द कल्प्रिट और यू मे बी द विक्टिम ऑफ द कन्वेंशनल वे। द रूटीन कैन बी अ रस्ट, दैट इज ऑल्सो अ फ्रेज। सो आप यदि एक जैसा एक ही समय में आप जो बोलते ना पड़ा पड़ा लोहे में भी जंग लग जाती है, तो हथौड़ी और इन सारे गैजेट जो आप इस्तेमाल करते हैं उसका काम ही होता है तो उसको यूज किया जाए, नहीं होगा तो उसमें जंग लग जाएगी। So that is the example. Fail to see the possibilities. The way people behave in the conventional way, जैसे हमारी दादी नानी और elders हैं, उनको कभी भी पसंद नहीं, हमारे जमाने में तो ऐसा हुआ करता था, ये अभी कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, उनके हिसाब से ये सारी चीजें फेल मानी जाती है या उनको ये चीजें पसंद भी नहीं आती। इस तरह का जो चेंज है, नई क्रिएटिविटी है, नए सोल्यूशन है। एग्जाम्पल बताना चाहूंगी कि मेरी दादी मोबाइल फोन से बहुत चिढ़ती है, स्मार्टफोन से उससे भी ज्यादा नफरत है, और बार बार उनका कहना होता है कि मैं तो 50,000 का भी खरीद सकती हूँ लेकिन मुझे चलाना नहीं आता, और ये टोटल टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे कितनी पॉसिबिलिटीज भी है, मतलब किसी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, किसी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, तो डिपेंड करता है अलग अलग। द वे शी थिंक्स और ही सॉरी शी नॉट एबल टू इंटरप्रेट और सी द थिंग्स विच इज क्रिएटेड फॉर न्यू डायमेंशन, दैट इज द पॉइंट ओवर हियर। ही शी ऑलवेज फेल्स विद द to see the possibilities, कि क्या क्या पॉसिबल भी है, अच्छा भी है उसके लिए। तो दैट इज द एग्जाम्पल ओवर हियर। नाउ लैंड ऑफ स्टडी हैबिट्स, वंस अगेन एंड फ्रेज ऑन हियर, दैट मींस यदि आप हैबिट के गुलाम हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम का काम हो सकता है कि नहीं मेरी तो हैबिट ऐसी है, मैं ऐसे ही करूंगा, इससे अलग नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आप यू कैन से यू मे बी द विक्टिम ऑफ द कन्वेंशनल वेज। So try to break all these in the ice breaking session. So ये that I would like to put over here कि अपना ice breaking session करना हमेशा जरूरी होगा और बार बार होगा, क्योंकि जमे हुए पानी पे रुके हुए पानी पे बर्फ भी जमती है और काही भी जमती है, और that is not the way the people behave. तो आपको हमेशा अपनी habits जो regularity है, improvement that is good, but the habits, good habits are always welcome, but the bad habits, the land of steady habits may create a victim of conventional ways. Now about talking about the creative people, how we can identify कि किस तरह से लोग को हम creative किया जा कहा जा सकता है, तो एक management में बहुत अच्छा point है यहाँ पर, Maslow's study के according that self actualizers are considered as creative people. And the second point is many very creative people are there, but the way they are thinking and understanding the things, that is not understandable by the other people. So that is also a thing. Other characteristics, which is broadly interested, like complexities, high energy, like to work, high achievements and independent and confident. They are considered as creative persons. I think all these qualities can be summarized into the most famous Urdu poet. Unke baare mein kaha jata hai, kehte to hain ki duniya mein sukhanwar aur bhi bahut acche, kehte hain Ghalib ka hai andaaz-e-bayan, aur Ghalib had all these qualities like complexity, high energy,
लाइक टू वर्क हाई अचीवमेंट. गालिब अपने सारे शेर रात को 12 और 4 बजे के बीच में लिखा करते थे, ऐसा कहा जाता था. आई फाइंड मिर्ज़ा गालिब as exemplifying all these qualities, and if you find that the number of Ghalib patrons in the world is much more than any other Urdu poet. Thank you, ma'am. Thank you so much for your wonderful example, sir. And one more point I would like to add here, that can't tolerate conflicts always. मतलब जब जब आपने creativity दिखाने की कोशिश की है या बताई है या proof हो गई है तो आपको conflict से तो गुजरना पड़ेगा ही. So you need to tolerate the conflict as well. Creative people tend to do it. मतलब दूसरा option नहीं है आपके पास. आप अपनी creativity के साथ में इसकी strength भी तैयार करना बहुत जरूरी है आपके लिए. And the last point is open to new experiences. That will give you very new kind of dimension. आप नए लोगों से नए तरीके से मिलेंगे, बात करेंगे और कई नए प्रकार के experiences आपको encounter होंगे आपकी life में यदि आप creative हैं तो. And that is for sure. मतलब ये 100% होने वाला है. और मैं आप सबसे एग्री करूंगी कि सबके साथ ऐसा हुआ होगा जब जब आपने कन्वेंशनल वे को तोड़ करके अपना कोई क्रिएटिव आइडिया दिया है, क्रिएटिव टेक्निक बताई है या क्रिएटिविटी प्रूव करने की कोशिश की है, तो ये सब घट चुका है आपके साथ, आई एम श्योर. नाउ अबाउट द फॉस्टरिंग ऑफ क्रिएटिविटी, और आई वुड से द डेवलपिंग द वे यू नीड टू डेवलप योर क्रिएटिविटी. नाउ वी आर गोइंग टू talk about them. That is, first thing is intellectual development. That is important, very important, and high value. Place high value on intellectual development always. Second point is also more independence. जब तक आप काम करने की स्वतंत्रता नहीं देंगे, क्रिएटिविटी नहीं आ सकती. जिनकी होगी वो भी हैम्पर होगी, और हैम्पर होने के बाद शायद खत्म भी हो जाएगी, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए आगे. तो आगे वो उसकी जो टेंडेंसी है, द वे ही फील क्रिएटिव एंड डू क्रिएटिव, दैट में हैम्पर. आपने इंडिपेंडेंस नहीं दी है, किसी को काम करने की अलाउिंग नहीं किया है, तो दैट कैन क्रिएट a very big impact on the creative person. So always try to give the independence, the way they behave, the way they create the things and do the things, and only they can create and come up with the new things. So ye bahut common example hai for creating or developing the creativity. Bachcho ko bhi aapne nahi diya hai itna independence, to wo naye ways nahi seekhenge. They will always learn the conventional way. जिस तरह से उनको family में भी हम सिखाने की कोशिश करते हैं. Now about open to letting children experience new things. हमेशा आप कोशिश करें कि जितना हो सके वो खुद experience करके कोई चीजों को learn करें, understand करें और create करें. That will give them a great exposure और development तो होगा ही 100%. क्रिएटिविटी भी बढ़ती है साथ में, क्योंकि छोटे बच्चे को यदि आप ऑब्लिगेशंस लगाते हैं ना, इधर से नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना, तो उसको यदि वहां जाना होता है, क्योंकि वो बहुत क्लियर होते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं कि मुझे वहां जाना है, यदि हर्डल भी है तो मुझे उसको कैसे क्रॉस करना है, इस तरह से कूद जाऊं, इधर से जाऊं, ऐसे जाऊं, तो वो ऑलरेडी दिमाग में ये सारी चीजें क्रिएट करते रहते हैं और उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकाल देते हैं. तो यू नीड टू गिव देम इंडिपेंडेंस ऑन द थिंग्स and let them experience the new things always. हाँ, aware करना हमारे हाथ में होता है कि कुछ गलत यदि कर रहा है या कुछ बहुत ज्यादा ही outwardly behave किया है किसी ने, हम always keep watch कि आपको हमेशा उसको ध्यान तो रखना है कि वो क्या हो रहा है, but let them explore कि वो अपने आप से सीखे, क्योंकि जितना हम experience से सीखते हैं बाकी चीजों से नहीं सीख पाते, चाहे वो student हो, हम professionals हो या फिर children. Now foster develop to self-esteem. That is very, very, very much important. Nowadays we are seeing people lacking in them. They lose their confidence. They do different kind of activities which is not good for them and for their life. So please try to develop self-esteem as well. Now the age of internet we are talking about, you have so many dimensions, so many things, so many people are doing different things and presenting in different portals or websites
or we would say videos, posts, different things. So this is again a non-conventional creative way. No longer control access the domain through the print media. नहीं तो हमको एक ही प्रकार के मीडिया से कई चीजें पता चलती थी और बाकी क्रिएटिविटी वही रह जाती थी. लेकिन आज हमारे पास इतने डायमेंशन ओपन है. In the past, only way the enter the domain went through the expectancies of print articles or print ways. So we have so many opportunities over here now. Now online journals and postings, internet search give you so many different ideas and domains as well. आप यदि कुछ करना चाहते हैं, कुछ develop कर रहे हैं, किसी से connect होना चाहते हैं, कोई expert से बात करना चाहते हैं, तो आपके पास पूरा area खुला हुआ है. You can do it freely. जितना हो सकता है आप कर सकते हैं. Who are the gatekeepers? Now this is again the point which gave you an important aspect. Keep always a gatekeeper. ये क्या किया जा रहा है, क्या होना था और क्या है, मतलब कुछ भी कहीं से भी आप enter हो रहे हैं creativity में, always keep a watch. And what information deserve to enter the domain? That is also important. ऐसा जैसे कि हम साइबर फोरेंसिक्स में बात करें या हम फोरेंसिक्स में बात करें कि कई सारे इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज हैं, न्यू थिंग्स हैं, तो एवरीडे दे यूज टू एनकाउंटर द डिफरेंट वेज. तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि क्या हो रहा है एंड इट इज बिलोंग्स टू इन द पॉजिटिव डायरेक्शन इन द नेगेटिव डायरेक्शन. एंड नाउ फ्यू आइडियाज अबाउट बूस्टिंग योर क्रिएटिविटी विल गिव यू द वे यू आर. फर्स्ट वन इज गो natural. That will give you peace of mind and your better way of creating your own creativity. Nature is the best way to explore the things. Second is move more. Jitna zyada ho sakega, jitna research karenge, jitna explore karenge, it will give you many more ideas and explore more ideas. Third will be use your hands always. Work with material, models, help you create in different ideas. तो आप जितना हो सके idea को ideation से conceptualization तक लेकर आना जरूरी होता है. फिर हम fourth के बारे में बात करें, lose your pride. Don't do it, I would say. क्योंकि you are not worrying whatever the things around you, क्या हो रहा है क्या नहीं, unless and until you achieve that kind of success. Now fifth one is warm up. Take an everyday object to see how many different uses for you can think in 2 minutes. अलग अलग creative warm up means आप कई प्रकार से warm up करते हैं अपने आप को. जैसे exercise में कहो तो कई अलग अलग हम exercises करते हैं warm up के लिए. वैसे हम thinking abilities की बात करें कि आपके 2 minutes में या 1 minute में या 30 seconds में आप क्या क्या creative सोच रहे हैं, कितने different dimensions में सोच पा रहे हैं, इस तरह से छोटी सी practice ही exercise है. फिर हम बात करें sixth idea की, that is research for evidence. Do it because it will create a different kind of exploration for you. That will get a list of all the things or time that passed when you have come up with the creative solution of the things. Then we talk about the seventh point. Ask what if I was a kid. That will give you a great, great creativity. क्योंकि वो आपके डायमेंशन खोलता है डिफरेंट काइंड ऑफ विजन से. क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो ये बड़े होने वाली जो फीलिंग होती है तो ये आपकी क्रिएटिविटी को कम कर देती है. क्योंकि आप इस तरह से सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, किसने क्या बोला था, ये हम करेंगे तो कैसा होगा, वो हम करेंगे तो चार लोग क्या, इसके बारे में हम ज्यादा वरिड होते हैं रादर कि हम अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे ध्यान दें. तो ट्राई टू बी द वे फील और बिहेव लाइक अ किड. एंड नाउ लास्ट पॉइंट, hang out with the creative people. That will give you the different kind of experience and they give you so many things jo ki wo karte hain. Aur aap experience karenge ki creative logon ke sath mein rehne mein aap jitna enjoy kar payenge, jitna zyada aap explore karte hain, alag alag dimension mein soch pate hain different visions ke sath, to hamare paas bahut sare domain aise ho jate hain jisko ki hum explore kar sakte hain. So that will give you the different 8 ways to boost your creativity. And now for the last slide of today's session is deep sleep is always welcome and necessary for your creative needs. Hamesha ye baat dhyan mein rakhiye ki 6 se 7 ghante ki sleep is necessary for your brain. That is very important. With green vegetables always give you the strength.
yoga pranayam which already we are following it give you the positive vibes and the stability of your mind although you are creative enough then seeds and nuts will give you energy different kind of energy again with the fish and the egg will be the part of your energy again ki ab wo kis tarah se aapko nourish karte hain nurture karte hain and the exercise that is also important kyunki jab tak aap healthy nahi rahenge baaki sari cheezon ki taraf dhyan nahi jayega aur fir hum meditation ki baat kare that will give you focus so ye sari cheeze creativity ke liye isliye important hai ki do different एक्सरसाइजेस में ये डिवाइडेड है एक फिजिकल पे है और एक आप व्हाट यू आर टेकिंग आप क्या ले रहे हैं क्या खा रहे हैं उस तरह से दैट विल गिव यू अ क्रिएटिव काइंड ऑफ बूस्टर्स यदि हम फिजिकल एडेप्टेशन की बात करें क्रिएटिविटी के लिए सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे सेशन थैंक यू सो मच एनी क्वेश्चन और सर आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू इफ यू वॉन्ट टू शेयर समथिंग मैम स्लाइड एक बार फिर से बता दीजिए सारे श्योर मैम पराक्रम सर इज लेफ्ट आई थिंक मे बी द सो दिस वॉज अवर फर्स्ट स्लाइड आई एम मेकिंग इट वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू इज इट विजिबल मैम या मैम This is our second slide of the day. Third one is the example of today's session. Genuine ingenious, creative person. We discussed about the creative part of art, that how a creative thing is considered as an art. Now the motivational factors about creativity measures of creativity unusual usage productive thinking and constructive thinking I would say now about creative measures and the beginning of conventions that you need to break then about the creative people now about fostering creativity how you can develop your creativity usage of internet for the your creativity and project and you can say promote it yes now few advice for boosting your creativity the 8 ways one will be creative boosters for your physical wellness and mental wellness thank you so much ma'am Thank you, ma'am. So now we are going to towards the end of today's session. It's already 3:10. Thank you so much for behalf of entire Sage University and TPISC, sir. Sir, welcome. Good afternoon, sir. Pratik, sir. Thank you, very much, ma'am. मैं भी कुछ और काम की वजह से थोड़ा सा late join कर पाया हूँ. बीच में मैंने join किया था, फिर वापस से. तो हो गया आपका सेशन कंप्लीट ना सो वी वुड लाइक टू थैंक्स लॉट टू यू एंड टू पराक्रम सर यू बोथ डिड अ स्प्लेंडेड जॉब इट्स अ वंडरफुल जॉब आप इट्स वेरी टफ देखो टीचर को पढ़ाना सबसे ज्यादा टफ काम होता है बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं आता है या कोई भी मैं अभी टीचर हूँ मुझे भी कोई देता है ज्ञान तो मुझे को बड़े मुश्किल से एक्सेप्ट करता हूँ ऐसे ही तो आप लोगों ने वो काम किया है और पॉजिटिवली सबने लिया है आपको ट्रेनिंग सेशन को बहुत अप्रिशिएशन मिला है और बहुत अच्छा लगा लोगों ने एंजॉय भी किया है मतलब रादर देन की उसको झेलने की बजाय लोगों ने एंजॉय किया पार्टिसिपेट किया नहीं तो अदरवाइज लोग सोचते कब खत्म और भागे इधर उधर ऐसा नहीं रहा
और तो बहुत ही बढ़िया आपने मिरेकुलस जॉब किया है, पराक्रम सर को भी स्पेशल थैंक्स, आपको भी बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स। और जो इन्होंने ज्वाइन किया, देखिए ऑडियंस के बिना कुछ भी नहीं होता है ना, जिसको जैसा टाइम मिला, जिसने जैसा किया, बहुत अच्छा लगा हमें, आप सबने ज्वाइन किया, सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स को भी हम थैंक्स कहते हैं, सारे फैकल्टी मेंबर्स को, स्टाफ मेंबर्स को, सभी को थैंक्स अलॉट कि एक हमने प्रोग्राम किया, आपने आपके सहयोग से वो सफल हो पाया, और आगे भी हमें हिम्मत मिलेगी आप ही के ये मनोबल से कि आगे हम प्रोग्राम्स को कराते रहें और अच्छे अच्छे और नई चीजें हमारे ट्रेनर्स और नई चीजें एक्सप्लोर करें, या और नया कुछ सीखना है, नया हमें सिखाना है, हर बार ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। तो रियली फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स टू एवरीबॉडी। और ना कोई भी कोई अपने व्यूज शेयर करना चाहता है इस ट्रेनिंग के बारे में तो वो दे आर वेलकम, वो कृपया बताएं थोड़ा सा कैसा लगा उन्हें, तो और अच्छे से हम उसको कर पाएंगे। Now it's open to everyone. Sir, please. Abhay, sir, please. Ma'am, Pratik sir and all Mishra sir and all the team of CRC, बहुत अच्छा प्रयास है, और पहले ही प्रयास में इतना अच्छा और इतना लंबा सेशन ले जाना, और सारे बेसिक पर्सनालिटी वाइज और लैंग्वेज वाइज दोनों, मतलब जो आपका कंटेंट था और सब्जेक्ट वाइज भी और कंटेंट वाइज भी बहुत अच्छा था, टॉपिक सिलेक्शन, उसमें कितनी डेप्थ तक जाना है, और सब प्रोफेशनल लोगों के लिए ये पढ़ाना, तो इट वाज अ वंडरफुली प्लान एंड वेल एग्जीक्यूटेड सेशन एंड एंटायर मैराथन सेशन ऑफ 30 अराउंड 45 डेज। सो कुडोस टू द टीम ऑफ सीआरसी एंड वेरी गुड, वी रियली एंजॉयड एंड अपलिफ्टेड आवर स्टैंडर्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस और व्यूज? Ditto. Okay. और कुछ मैम, कुछ एक्स्ट्रा डिट्टो के अलावा? नहीं, बहुत अच्छा रहा सेशन, और खुद को एक्सप्लोर करने का भी चांस मिला है, तो थैंक यू सो मच रचिका मैम एंड पराक्रम सर। अदरवाइज जनरली क्या देखने में आता है, अरे ये नए नए हैं, जैसे रशिका मैम की क्या एज है, ये क्या हमें सिखाएंगी, ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखता उससे, तो बहुत खुशी होती है कि एवरीबॉडी इज हैविंग समथिंग टू शेयर, सबके पास कुछ नया होता है बताने के लिए, सिखाने के लिए। और हम लोग कई बार हमारी चीजों में भूल जाते हैं बहुत सारे कामों में, और फिर ना जब कोई ट्रेनर उस चीजों को फिर से एक्सप्लोर करता है, बताता, तो हमें रिमाइंडर्स होते, निकालते होते रहे हमें, ये राइज हो जाता है सर। और जैसे अपने सीएमडी सर कहते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यस यस यस, रियली लागू होती है ये जी, और बहुत सीखने को मिला, बहुत रिवाइज करने को मिला, और कोशिश करेंगे कि इसको लागू भी कर सके। नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ज्यादा बड़ी। थैंक यू सर। और बढ़िया है, हमको थैंक यू मैम, हमको भी ऐसा ही ना, आपसे भी कभी कभी कुछ लॉ का सीखने को मिल जाए, कभी जैसे कि मैं को ना अभय सर ने बताया था कि जैसे मैंने जब नई नई कार ली थी तो कि कैसे इंजन कैसे काम करता है, कैसे उसमें गियर्स काम करते हैं, मतलब उसका अंदर का मैकेनिकल मैं तो चला लेता हूँ जरूर, लेकिन अंदर की चीजें सर ने बताई थी कि कभी कहीं गाड़ी खड़ी हो जाए तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा आप थोड़ा चीजों को समझ पाए, तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे कि चलो यार अपन यूनिवर्सिटी, अपने पास सब कुछ है, अपने पास एग्रीकल्चर वाले हैं, अपने पास डिजाइन वाले हैं, जर्नलिज्म वाले हैं, और साइंसेज वाले हैं, इंजीनियर्स हैं अलग अलग एक्सट्रीम में, लॉ तो जगह काम आता है, घर पे भी, बाहर भी, रोड पे भी, ट्रैफिक रूल से लेके, तो कभी भी स्वागत है सर, पूरी टीम है हमारी, मैं भी, मैं तो हूँ ही, और भी एडवोकेट्स हैं हमारे प्रोफेसर लोग, तो हम लोग सब हेल्प करेंगे कि जो लॉ की जानकारी है वो आप लोगों को दे सके। या मैम, या मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और कोई अपने व्यू रखना चाहता है? थैंक यू सो मच सर, राशिका मैम, पराक्रम सर एंड ऑल टीम, बहुत अच्छा लगा, वो सुबह से इंतजार रहता था कि आज सेशन है, आज क्या सीखने को मिलेगा, और जैसा कि अभी मैम ने भी कहा कि सीखने की कोई एज नहीं होती है, इससे राशिका मैम की एज क्या है क्या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे हमने बहुत सीखा है और बहुत कुछ जाना है, इससे बहुत अच्छा है, और चाहेंगे कि फ्यूचर में भी ऐसे सेशन सर होते रहे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, आपका हमारा आप मनोबल बढ़ाते रहेंगे तो बिल्कुल हम उस टाइप से कोशिश करते रहेंगे करने के लिए। सर जैसे कि आप ही से सीखा अभी ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप ही नेता
इंस्पायर किया कि आज ये सीख पाई हूँ सर, तो इसके लिए आप में सीखने की इच्छा थी इसलिए आप सीख पाए, लेकिन अच्छा रहा ना। देखो जब हम चेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, शुरू में प्रॉब्लम होती है कि अरे कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों कर रहे हैं इतना, आपने नई चीज सीख ली तो आपको अच्छा मजा आ रहा होगा। अब जब आप किसी को सिखाओगे ये चीज तो आपको और मजा आएगा कि चलो इंस्टा और ट्विटर सब हमने सीख लिया चलाना। मेरे फैमिली मेंबर्स को, मेरे कजिन्स को, मेरे ब्रदर्स को, सिस्टर को बड़ा आश्चर्य होता है, सरप्राइज करते कह रहे दीदी आप इंस्टा पे, दीदी आप ट्विटर पे, हमें तो टोकती थी। तो कुल मिलाकर सीखने को मिला सर, वो सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर देयर व्यूज? चाहता कि मोबाइल नंबर शेयर कर दें ताकि हमें पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम हो इंग्लिश के बारे में या और भी कोई, तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। श्योर श्योर बिल्कुल। अब ये ना एक अलग ही ग्रुप बन गया है लर्नर्ड पीपल्स का, तो उसमें आप बिल्कुल आप उसको आगे बढ़ाते रहें अपने कॉन्टैक्ट्स और सारी चीजें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो बढ़िया है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मनीष सर का एक ड्यू है, सर ने कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, तो सर आई वुड लाइक टू इनवाइट मनीष पंडित सर। Actually, I had one query because as I confessed in the very beginning of today's session that due to my scheduled classes of PhD, I missed some of the sessions. But despite of that fact, whatever I had attended, all the sessions were extremely good and I had gained a very deep insight into so many things which either I was confused of or I was not knowing or by any reasons. So I had also learned many of the things. कुछ एक टर्म्स थे जिसपे मैं कंफ्यूज हूँ, तो आई वुड सी यू इन पर्सन एंड कम टू डिपार्टमेंट टू सॉल्व माय क्वेरीज। श्योर श्योर एंड इट वाज एक्सट्रीमली अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशंस एंड आई हैड गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज रादर एंड डेफिनेटली आई वुड ट्राई टू इनकल्केट एंड यूटिलाइज दिस नॉलेज। थैंक यू मैम टू एंटायर टीम, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर प्रोवाइडिंग सच अ प्लेटफॉर्म एंड सच एन wonderful learning sessions. So thank you all once again. Thank you so much sir. Sir, इस बार ने कम से कम हमारे department ने हमसे कोई मिलने तो आएगा, हम सबसे होने में department में। नहीं, मैं तो आता रहता हूँ because of that particular innovation center. So I happen to be there. So again, I would be there and would have a discussion with you. Sure, sure, sir. Definitely, you all are welcome for this. Thank you, ma'am. Thank you, sir. और ना अभी रजिस्ट्रार सर ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि सबको बहुत बहुत विशेष, बहुत ही अच्छी और आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और इसीलिए जैसे रशिका मैम का बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक में भी उनको जो अवार्ड मिला उसमें ये पूरा ट्रेनिंग का भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा, इसलिए सर ने फिर से एक बार विशेष बोले हैं, थैंक्स बोले हैं। और पराक्रम सर को, रशिका मैम को, दोनों को बहुत बहुत बढ़िया कि अच्छे ऐसे ही आप सेशन आगे करते रहे। सर का भी अभी जस्ट मैसेज सर ने बोला मैं कन्वे कर दूं, तो मैं थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो नाउ आई वुड लाइक टू आस्क फॉर द परमिशन टू कल्बिनेट दिस सेशन, ऑल्दो वेरी डिसहार्टेडली आई एम डूइंग दिस। मैडम फिर से जल्दी शुरू करेंगे अच्छा सा कुछ। sure, इतना एक एक महीने का नहीं, भले वीक में एक बार ऐसा कुछ अपन करते रहेंगे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज। यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।